अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे मेरी बच्ची, तुम बहुत प्यारी हो जैसा तुम्हारे दादा ने मुझे बताया था, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे दादा से भी ज्यादा प्यारी हैं। ये देखो कितने प्यारे फूल हैं और इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी है। बोलो अहमद, क्या वो मर गया क्या? चलो ठीक है, जहान जहान। या अल्लाह, खैर अब क्या हो गया है? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो या मुझे जिंदा दरगोर करना चाहते हो? बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा क्या हुआ है, मैंने क्या किया है? तुम मेरे खिलाफ कैसे गए मीरान पे? किस लिए हमला करवाया, किस लिए? तुमने अपने लोगों को मीरान को मारने के लिए क्यों भेजा, बताओ मुझे। बाबा बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? रियान, चलो उठो, अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। बाबा क्या मर गया वो? नहीं मालूम, अगर वो मर चुका है तो बहुत बड़ी जंग होगी, ये याद रखना जहान। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मीरान पर हमला मैंने नहीं करवाया। रेहान, रेहान कहाँ है? रेहान, ज़हरा, रेहान को कुछ मत बताना वरना वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, समझ गई? और पहले मुझे इस बात का मालूम करने दो। अब्बू, अब्बू ये क्या किया आपने? आपने कहा था कि सब्र करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मीरान की जान लेके ये सब ठीक किया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो जहान? ये सब कुछ करने से पहले एक मर्तबा सोच लेते तुम। तुमने आग में तेल डाल दिया है जहान, अब ऐसी आग लगेगी हम सब जल जाएंगे। बस बात हो गया, मैंने ये नहीं किया, मैंने कहा ना आप लोगों से मैंने ये नहीं किया। लेकिन जिसने भी किया है अच्छा किया, किसी न किसी को तो इस्लामी खानदान को रोकना ही होगा। याद नहीं उस दिन तुमने ऐसे ही करने का नहीं कहा था? हाँ, क्या तुम इस तरह अपने खानदान की इज्जत को बचा पाओगे, बताओ मुझे। बाबा रुके, गुस्सा मत करें आप, मुझे लगता है जहान सच कह रहा है। अगर मीरान पर यह हमला ना होता तो क्या इस्लाम में खानदान रुक जाता? बाबा बताएं, क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, देख लिया ना आपने, आखिर जो होना था वो हो ही गया। जहान क्या मतलब है? कम से कम एक मर्तबा आजाद के बारे में सोचा होता, उसकी जरा फिक्र नहीं है तुम्हें। मुस्तफा आगा को बता दो आजाद को अपनी कड़ी निगरानी में रखें, आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। आजाद को यह बात पता ना चले कि अब यहां मामला बहुत बिगड़ चुका है।